मैम कैसी लगी मूवी आफ्टर लॉन्ग टाइम अमेजिंग ऋतिक रोशन या सीइंग ऋतिक ऑन स्क्रीन वाज लाइक एन अमेजिंग एक्सपीरियंस आफ्टर सो लॉन्ग द चार्म द everything is still the same his looks his acting skills literally the best actor acche lage bahut acche location bhi acche fight action bhi acche udhar do gaane hai jo unnecessary lage baki sabki acting is superb acting very nice movie sabka kaam bahut acha hai mujhe bahut hi acche lage picture dekho main bolu na ritik sir ko na aise hi movie karni chahiye fighter movie ko agar one word mein review karu na best movie hai ye saal ki movie was wonderful ऑफकोर्स आई लाइक इट वेरी मच एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन मुझे बहुत पसंद आई ऑब्वियसली बहुत अच्छी मूवी थी लाइक एक इसमें मोटिवेशन भी था एक मैसेज भी था पहली बात क्या है कि ऋतिक रोशन की बहुत दिन के बाद ये मूवी आई है और सबको चाहे मूवी खराब हो चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो पब्लिक जो है ऋतिक रोशन को देखने के लिए एक बार जरूर आएगी इसमें हमने देखा है दीपिका मैम के साथ इनका जो एक नया बॉलीवुड में आया है हाउ यू लाइक देम हाउ यू देयर केमिस्ट्री इज गुड लाइक दे बोथ लाइक केमिस्ट्री इज रियली गुड शी इज ब्यूटीफुल क्यूट और जितने भी स्टार कास्ट है छोटे से लेकर बड़े स्टार सब ने काम अच्छे से किया ये नहीं बोलोगे कि आप छोटा स्टार है तो इसका काम नहीं था सही इसका काम थोड़ा कम था नहीं सबका काम बहुत अच्छा था बट अपार्ट फ्रॉम द केमिस्ट्री द स्टोरी द एक्शन एंड एवरीथिंग लाइक इज एक्सेलेंट लाइक टू गुड स्पेशली द क्लाइमैक्स सीन इट लिटरली गेव ऑल ऑफ अस चिल्स इट वाज रियली गुड ये एक फाइटर है फाइटर मतलब प्लेन जो हमारे जो देश के जो रक्षक हैं ये दो जैसे पूरे इंडिया में कहीं भी अगर कुछ भी घटना जैसे कुछ भी ऐसे ये हो तो दो पाँच मिनट में दो मिनट तुरंत वो अपने फाइटर को लेकर उड़ान भरते हैं और अपने इंडिया को बचाते हैं तो फाइटर वो प्लेन का नाम है और उससे लड़ाई करते हैं और ये हमारे एक अलग जवान है जो उन्हें उस जगह पे यूज किया मतलब वहाँ पे उन्हें भेजा जाता है ऋतिक रोशन कैसे लग रहे हैं क्योंकि काफ़ी समय बाद वो हमें दिख रहे हैं लेकिन जो पहले था वैसा कि वैसा ही है उसमें कुछ फर्क नहीं वैसा ही काम है उसका वेरी नाइस सेम एज इट इज ओनली फेस एक मोटा भी फेस जरा बदली हो गया बट अदरवाइज सेम जैसे वो एज इन फर्स्ट मूवी आओ कौन प्यार है ना भी एक्टिंग में कुछ फर्क नहीं ऋतिक रोशन ही जस्ट गॉड मतलब जब उसकी बात आती है तो कोई कुछ नहीं कह सकता एज एन एक्टर एज फिजिक ही मेंटेन एवरीथिंग एंड इट वाज रियली जी सर की एक्टिंग तो आप लोग देखोगे तो समझ जाओगे अभी इतने साल हो गए उनको इंडस्ट्री में तो एक्टिंग के बारे में नहीं पूछोगे तो अच्छा है तो एकदम क्लास ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब एक पार्ट लगे वो इंडियन आर्मी का मतलब एक इंडियन एयरफोर्स का जो मतलब एक दिखाया है उन्होंने एक पार्ट लगे ऐसा लगा ही नहीं कि उन्होंने एक्टिंग की है ऐसा लगा कि उन्होंने रियल लाइफ की है रियल लाइफ पिक्चर में को जरा भी फील नहीं हुआ एक रियल लाइफ वाली फीलिंग आई व्हिच पार्ट इज बेटर देन पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑडियंस को पकड़े रखा है क्योंकि जिस हिसाब से एक्शन करेक्ट नो द क्लाइमेक्स द पार्ट 2 एनी डे ओवर पार्ट 1 पार्ट 2 वेरी नाइस फिर पार्ट द लास्ट टाइम द पाकिस्तान लैंड्स अनिल कपूर एंड सर क्लाइमेक्स वन यस एंड सर दिस मा दीपिका शी केम द हेलीकॉप्टर टू रेस्क्यू देम इट वाज द बेस्ट पार्ट ऑडियंस को बांध के रखती है पूरी मूवी एंड से स्टार्ट से एंड तक आप अगर फर्स्ट हाफ की बात करें तो फर्स्ट हाफ कब इंटरवल हो जाएगा पता नहीं चलेगा जब सेकेंड हाफ में बैठोगे कब क्लाइमेक्स हो जाएगा पता नहीं लेकिन लास्ट का जो 30 मिनट था काफ़ी दमदार था मजा आ गया व्हेन मूवी स्टार्टेड देयर वाज सॉन्ग मतलब सॉन्ग के साथ ही मूवी स्टार्ट होती है और वो सॉन्ग इतना फील गुड है ना जब मूवी स्टार्ट होती है ना इंट्रोडक्शन उनका बॉन्डिंग बन रहा है सब लोगों का जो उसके मेंबर हैं टीम के उनका सबका बॉन्डिंग बन रहा है तो इतना फील गुड है ना यू विल लिटरली फील यू वॉचिंग अ हॉलीवुड मूवी इतना फील गुड म्यूजिक है वो सो स्टार्टिंग से ही आप इतना फील गुड करते हो ना और वार्म अप होते हो ना तो फिर स्टोरी चलती है और कोई डाउन मूवमेंट नहीं फैंटास्टिक तो कई सारे हैं दो तीन मूवमेंट्स हैं लेकिन कोई डाउन मूवमेंट नहीं है वो दैट डेफिनेटली आई कैन से इंटरवल के बाद जो हिट है और इसके अंदर जो आधा घंटे का जो सीन है आधा घंटा वो देखने लायक है और इसके अंदर का दो सीन जो है ऐसे सीन है जिसमें रोने को मुझे भी थोड़ा बहुत आ गया फिर हाउ अबाउट सॉन्ग्स एंड ऑल सॉन्ग्स आर ओके देयर इज वन सॉन्ग सुजला दैट सॉन्ग इज रियली गुड अदरवाइज द शेर खुलगे सॉन्ग इज ओके डायरेक्शन की बात करें हाँ सिद्धार्थ आनंद की बेस्ट फिल्म बैंग बैंग मैंने देखी एंड वॉर देखी है पठान भी देखी एंड दिस इज बेस्ट सिनेमाटोग्राफी के मामले में चाहे VFX और चाहे एक्शन सीक्वेंसेस दिस वाज द बेस्ट हिज बेस्ट वर्क इज दिस सिद्धार्थ आनंद का डायरेक्शन है देखो अभी सिद्धार्थ आनंद की जितनी भी डायरेक्शन मूवी है पिछले आप देख लो बैंग बैंग उसके बाद फिर वॉर और पठान
उसके बाद ये मूवी आई है। मैं बोलूँ ना, आप अगर ये मूवी देखोगे ना, आप बोलोगे कि यार आप पठान को भूल जाओगे, क्योंकि इनका जो डायरेक्शन बहुत ज़बरदस्त था इसमें। और सबसे बड़ी बात क्या है मूवी के अंदर कि आप जब भी सिद्धार्थ आनंद की कोई मूवी देखते हो तो वो अपनी फिल्मों में इमोशंस कम डालते हैं, तो इस बार उन्होंने इमोशन भर भर के डाला, तो मैं वो चीज़ मेरे को काफ़ी पसंद आया। और जितने भी उन्होंने जो पठान मूवी दी थी उसके बाद उन्होंने डायरेक्शन किया, उन्हीं का ये है कि जितनी भी पब्लिक आएगी, जैसे मैं आया, पठान का जो उन्होंने डायरेक्शन किया था और वो देख करके ऐसा लगा कि ये मूवी भी वैसे ही होगी, उसको देख करके मैं ये मूवी देखने आया। डायरेक्शन उन्होंने सही किया है, डायरेक्शन में कुछ नहीं, VFX है, लग नहीं रहा है कि ये VFX कुछ है, लेकिन डायरेक्शन एक नंबर किया, डायरेक्शन में उनका कोई ये नहीं है कि उन्होंने नहीं किया। अब रहेगी मूवी की बात रहेगी, इसके अंदर जो भी एक्टर लोग काम किए, एक नंबर काम किए। काफ़ी मतलब मैसेजेस थे कि लाइक लड़कियों को भी कम मत समझो, लाइक लड़की लोग को भी सेम ट्रीट करना चाहिए, मतलब इस तरीके से नहीं कि मतलब लड़का ही सब कुछ कर सकता है, जो लड़का कर सकता है वो लड़की भी कर सकती है। एट द सेम पॉइंट मतलब कोई कोई चीज़ें हैं जो लड़का नहीं कर सकता है जो लड़की कर सकती है, जो लड़की नहीं कर सकती वो लड़का नहीं कर सकता। जो बच्चे लोग हैं उन्हें ये मूवी देखनी चाहिए, क्यों? क्योंकि फाइटर क्या है, और ये हो सकता है कि कोई, और इसके अंदर और एक भी दर्शाया गया कि लड़की इसके अंदर जो है मतलब नहीं जा सकती, फाइट मतलब प्लेन से नहीं लड़ सकती, उसे नहीं, इसके अंदर माँ बाप को दुख होता है, जो कि इसके अंदर माँ बाप जो है वही आशुतोष राणा रहते हैं, जहाँ पे ऋतिक रोशन बात उठाते और हमें रोने को आते हैं, और माँ रोती है, पिता जो है शांत रहता है। तो ये जो है लड़की का मतलब बताया गया कि लड़की जाना चाहती, अगर उड़ान भरनी चाहती है, अच्छा करना चाहती देश के प्रति अगर है, तो उसे जाने दे। तो इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन इंटरवल के बाद वो सब देखने को मिले हैं, और यही सब है। लेकिन इसे मैं हिट और ब्लॉकबस्टर नहीं बोल सकता, लेकिन ऋतिक रोशन को देखने के लिए और जितने भी एक्टर हैं एक नंबर काम किए हैं, और ऋतिक रोशन का जो पर्सनालिटी है, जो लास्ट में एक गाना बताया उसमें भी अच्छा है। तो आप रिकमेंड करेंगे सबको देखना? ऑब्वियसली मैं तो रिकमेंड करूंगा। मैं बता रहा हूँ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और मैं जब मैं मूवी देखा तो आई वाज लिटरली वाओ, एरियल सीक्वेंसेस एंड एवरीथिंग इतने अच्छे पहले नहीं बने जो इस मूवी में है। सो आई विल रिकमेंड डेफिनेटली गो एंड वॉच दिस मूवी, ऑफ कोर्स यू विल लव इट। आउट ऑफ 5 हाउ मच यू विल गिव? 5 आउट ऑफ 5 515 लव्ड इट। आई विल गिव 3.5। देखो अभी सोल्जर की कहानी वाली मूवी है, तो आप जितने स्टार्स आप दे सके आप दे दो। 4.5 यस।